चलिए बनाते हैं एकदम फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट गुब्बारे की तरह भटूरे। तो गाइस छोले और भटूरे किसे पसंद नहीं है, ये एक प्यार है, एक इमोशन है जो हम सबको पसंद है। तो चलिए आज बनाते हैं दिल्ली वाले छोले भटूरे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप हर बार फूले फूले भटूरे बना सकेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और अच्छे से छान लिया है, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप आटा। आटा बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 कप से थोड़ा कम मैंने डाल दिया है सूजी। चुटकी भर मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार। फिर मिक्स कर दे इसे। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। फिर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच दही। दही ताजी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट इसका। और अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ मैंने आटा को गूंद लिया है। तो आटा हमारा गूंद गया है, अब मैं हाथों पे ऑयल लगाकर इस पे थोड़ा सा लगा दूंगी और ढककर 30 मिनट के लिए रख दूंगी। 30 मिनट के बाद आटा हमारा बढ़िया सा फूल गया है। देखिए अब हमें क्या करना है, अच्छे से इसे पीटते हुए इसे मारना होगा, गूंदना होगा। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। इस तरह से ही भटूरा बहुत अच्छा फूला फूला बनेगा और एकदम नरम नरम भटूरा बनेगा। इस तरह से पटकते हुए हमें आटे को मारना होगा। ये प्रोसेस हमें 5 से 7 मिनट के लिए ही करना है, और फिर से ऑयल लगा कर ढक कर हमें 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि और भी अच्छे से हमारा जो भटूरा का आटा है सेट हो जाए। तो देखिए 15 मिनट के बाद आटा हमारा एकदम परफेक्टली फूल गया है, सेट हो गया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपने भटूरे को। तो गाइज इस प्रोसेस से आप जब भी भटूरे बनाएंगे कभी भी फेल नहीं होंगे, एकदम फूले फूले भटूरे बनेंगे। और आप चाहे तो इसमें ऑयल लगाकर बेल सकते हैं। मैंने ओवल शेप दिया है क्योंकि दिल्ली वाले छोले भटूरे बना रही हूँ मैं, और दिल्ली में भटूरे इसी तरह से होते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से दबाते हुए करना होगा, तब भटूरे जल्दी फूल जाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया फूला फूला भटूरा बन गया है, ये हमारा पहला भटूरा बन गया है। तो गाइज अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे बताइए कि और कौन कौन सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए हमारा भटूरा बन गया है, देखिए कितना बबल्स इसमें है, एकदम फूल गया है। जो हमने आटा पटक पटक के मारा था ना, इस कारण ये सारे बबल्स आए हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, एकदम आराम से ये टूट रहा है। और जब तक आटा सेट हो रहा था मैंने छोले भी बना लिए थे। अगर आपको इस छोले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।